नमस्कार दोस्तों, ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना सीख लिया था। इस वीडियो में उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, अगर द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति हमें दी गई हो और किसी अननोन चर या ये मान लीजिए के का मान आपसे पूछा जाए, तो उन सवालों को किस तरह से सॉल्व करते हैं। जैसे ये प्रश्न आपको दे दिया है और इसमें आपसे कहा गया है कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, सवाल को सबसे पहले आपको मानक रूप में लाना होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो सवाल मानक रूप में नहीं है, x की घात 2 कहीं पर भी नहीं दिख रही है, इसलिए आप सबसे पहले इसे सॉल्व करके मानक रूप में लेकर आए। तो देखिए हम इसे क्या लिखेंगे, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब ये सवाल कौन से रूप में आ गया है, मानक रूप में आ गया है। अब हम देखते हैं वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि इसके मूल वास्तविक और समान है, मूल वास्तविक व समान है। और आप जानते हैं मूल वास्तविक व समान कब होते हैं, जब d की वैल्यू 0 होती है। वेरी गुड। और d को हम लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके होगा, 0 के। यहां से इस समीकरण की तुलना हम मानक रूप से करते हैं, तो जब हम मानक रूप से इसकी तुलना करेंगे तो हमें a तो मिलेगा k, b आ जाएगा माइनस का 2k और c आ जाएगा 6। मानक रूप से तुलना इसी प्रकार से की जाती है। ये हो गया ax स्क्वायर bx और ये c, तो a, b और c के मान हम यहां रखते हैं। b की जगह आपने रखा माइनस का 2k, इसका स्क्वायर कर दिया माइनस 4। a की जगह पर आपने लिख दिया है k और c की जगह आपने लिख दिया है 6 बराबर में हो गया है 0। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। माइनस 2k का स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस बराबर 0। यहां से देखिए 4k दोनों में से कॉमन आ सकता है, इसलिए आप इसे कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा k माइनस 6 बराबर 0। इसे आगे सॉल्व करने के लिए हम बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करेंगे, यानी एक बार तो 4k को 0 के बराबर करेंगे और एक बार k माइनस 6 को 0 के बराबर करेंगे। जैसे ही आप 4k को 0 के बराबर करते हैं तो k बराबर आपको मिलता है 0, और जब आप k माइनस 6 को 0 के बराबर करते हैं तो k बराबर आपको मिलता है 6। इस तरह से k के दो मान आपको प्राप्त होंगे और लास्ट में आप ये जरूर लिखेंगे, अतः k बराबर 0 अथवा 6। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे यहां मैंने एग्जांपल ले लिया kx स्क्वायर माइनस 5x प्लस k बराबर 0, और इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है k का मान। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखें कि क्या समीकरण मानक रूप में है। पहले एक्स स्क्वायर का पद है, फिर एक्स का पद है, फिर अचर पद है और बराबर में 0 है। इसका मतलब समीकरण मानक रूप में है, तो हम इसकी मानक रूप से तुलना करेंगे। और मानक रूप क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर अब जब हम इससे इसकी तुलना करते हैं तो हमें a बराबर तो मिलता है k, b बराबर मिलता है माइनस का 5 और c बराबर मिलता है k। अब जैसा कि आप जानते हैं उसने ये कहा है कि मूल वास्तविक व समान है,
वास्तविक व समान हैं। और आप ये जानते हैं कि जब मूल वास्तविक और समान होते हैं तो डी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है जीरो। इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे। एबीसी का मान यहां पर रखेंगे, जैसे b बराबर आपको दिया गया है माइनस का 5, तो आपने कर दिया माइनस के 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह आपने लिख दिया है k, c की जगह आपने लिख दिया है k, और बराबर में कर दिया है 0। इसे आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस 4 इंटू के इंटू के यानी कि 4k² बराबर में आ गया 0। हमें निकालना है k का मान, इसलिए k के पद को एक तरफ ले लेते हैं। पक्षांतरण आपने कर दिया, तो ये जो 4k² है ये जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। और इसी को हम पलट कर लिख देते हैं। इसी को हमने पलट कर किस तरह से लिखा, 4k² को पहले लिख दिया और बराबर में कितना लिख दिया, 25 लिख दिया। यानी k² बराबर हो गया 25 बटे में 4, या k बराबर हो गया 25 बटे में 4 का अंडर रूट। और आप जानते हैं द्विघात समीकरण वाली प्रश्नावली में जब भी हम अंडर रूट हटाते हैं तो प्लस और माइनस दोनों साइन लगाते हैं, तो k बराबर आ गया प्लस माइनस 5/2। अतः k बराबर एक बार तो आ गया प्लस का 5/2 और एक बार आ जाएगा माइनस का 5/2। इस तरह से आप इजी वे में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थे जब आपको मूल वास्तविक व समान दिए जाएं तब k का मान ज्ञात करना। अब यदि मूल वास्तविक व भिन्न हो तो k का मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।